नवाबजादा नसरुल्ला खान जो सियासी तहरीकों के रूहे रवां रहे और अपनी बेमिसाल जद्दोजहद के बायस बाबा जमहूरियत का खिताब हासिल किया, क्या में पाकिस्तान के बाद उनका सियासी सफ़र कैसा रहा। नवाबजादा नसरुल्ला खान के वालिद खान बहादुर नवाब सैफुल्ला खान और दादा खान साहब अलादाद खान ने 1857 की जंग आज़ादी से पहले और बाद में किस तरह अंग्रेज़ों की चाकरी की और हुर्रियत पसंदों का खून बहाकर इसके इवज़ अंग्रेज़ सरकार से खिलतें जागीरें और अलकाबात हासिल किए। नवाबजादा नसरुल्ला खान जब नौजवान थे और उनका ख़ानदान यूनियनिस्ट पार्टी में शामिल हो चुका था तो उन्होंने अपने अहले खाना से बगावत करके किस तरह तहरीक एहरार में शमूलियत अख्तियार की और फिर कायदे आज़म के सिपाही बन गए। नवाबजादा नसरुल्ला खान के बेटों नवाबजादा मंसूर अहमद खान और नवाबजादा इफ्तखार अहमद खान का पाकिस्तानी सियासत में क्या किरदार है, आज हम तारीखी हवालों और हकायक की रोशनी में यही सब जानने की कोशिश करेंगे। तराजू के सिलसिले गद्दार कौन की 21वीं किस्त के साथ मैं हूं बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर रोड पर 16 किलोमीटर के फासले पर एक कस्बा खानगढ़ सदियों की तारीख अपने अंदर समोए हुए है। दराए चनाब के किनारे आबाद ये कस्बा मुल्तान के सद्दोज़ई नवाबों की याद दिलाता है। नवाब शुजा खान जिनके नाम पर शुजाबाद का शहर बसाया गया और ज़िला मुल्तान के तहसील हेडक्वार्टर शुजाबाद में आज भी नवाब शुजा खान का मकबरा मौजूद है। मुजफ्फरगढ़ शहर का नाम उनके बेटे नवाब मुजफ्फर खान सद्दोज़ई से मंसूब है। नवाब शुजा खान की बेटी खान बीबी जो मनकीरा की लड़ाई में शुजात के जोहर दिखाते हुए मारी गई और मुल्तान में हजरत गौस बहावल हक मज़ार के अहाता में दफन है, उसके नाम से खानगढ़ नामी कस्बा बसाया गया। अंग्रेजों के दौर में खानगढ़ को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का दर्जा दिया गया मगर बाद में मुजफ्फरगढ़ को जिला बना दिया गया। नवाबजादा नसरुल्ला खान का खानदान 18वीं सदी के आखिर में यहाँ आकर आबाद हुआ। नवाबजादा नसरुल्ला खान के खानदान का शजरा नसब देखें तो मालूम होता है कि अब्दुल समद खान के तीन बेटे थे जिनमें से अलादाद खान ने नुमाया मकाम हासिल किया और उन्हें अंग्रेज सरकार की तरफ से खान साहब का लकब दिया गया। 1862 में उनके होनहार बेटे सैफुल्ला खान ने जन्म लिया जिन्होंने बाप के बाद अपनी ख़ानदानी रिवायात को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेज़ों की चाकरी करके खान बहादुर और नवाब का खिताब हासिल किया। खान बहादुर नवाब सैफुल्ला खान के 9 बेटे थे जिनमें से सरदारी तो बड़े बेटे नवाबजादा अब्दुल्ला खान के हाथ में आई मगर सियासी तौर पर उनके साहबजादे नवाबजादा नसरुल्ला खान ने मुनफरिद मकाम हासिल किया। नवाबजादा नसरुल्ला खान के तीन बेटे हैं, एक बेटे नवाबजादा मंसूर अहमद खान MPA जबकि दूसरे बेटे नवाबजादा इफ्तखार अहमद खान MNA। नवाबजादा नसरुल्ला खान के दादा खान साहब अलादाद खान ने सिखों के खिलाफ लड़ाई में साहब बहादुर हर्बर्ट एडवर्ड्स का भरपूर साथ दिया और फिर 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाले मुजाहिदीन को कुचलने में कलीदी किरदार अदा किया। मुल्तान में 68 बंगाल रेजिमेंट जिसने अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत कर दी और खानगढ़ के रास्ते दरिया अबूर करके दिल्ली जाने की कोशिश की, उन्हें नवाबजादा नसरुल्ला खान के दादा खान साहब अलादाद खान की मदद से दबोच लिया गया। अंग्रेज सरकार के लिए इन खिदमात के एतराफ़ में दोनों मौके पर दरबार आम मुनक़िद करके नवाबजादा नसरुल्ला खान के दादा को खिलत अता की गई। नवाबजादा नसरुल्ला खान के दादा को खान साहब का लकब दिया गया और खानगढ़ में अदालत कायम करके उन्हें ऑनरेरी मजिस्ट्रेट तैनात किया गया। 1885 में अलादाद खान की वफात के बाद उनका बेटा यानी नवाबजादा नसरुल्ला खान का वालिद सैफुल्ला खानदान का सरबरा बना और अंग्रेज सरकार की खिदमत का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाया तो उसे ऑनरेरी एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल और मुनसिफ दर्जा दोम के अख्तियार दिए गए। नवाबजादा नसरुल्ला खान के वालिद को खान बहादुर और नवाब का खिताब दिया गया और सूबाई दरबारी की नशिस्त भी अता हुई। नवाबजादा नसरुल्ला खान का खानदान जो गंदम रुई और नील की तिजारत बहुत बड़े पैमाने पर किया करता था
और खानगढ़ में कमोबेश 6000 रुपये आमदन की अराजी का मालिक था। उसने पंजाब के दीगर जागीरदारों की तरह सर फजल हुसैन की यूनियनिस्ट पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली, मगर नवाबजादा नसरुल्लाह खान जो अभी नौजवान थे उन्होंने ख़ानदान से बगावत करके अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ मज़ाहमत करने वाली एहरार पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। नवाबजादा नसरुल्लाह खान तहरीक पाकिस्तान में शरीक रहे और उनकी एक तस्वीर भी मौजूद है जिसमें वो कायदे आज़म के पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने क़याम पाकिस्तान के बाद एहरार पार्टी को खुदा हाफिज़ कहकर मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली और 1951 के इंतखाबात में खानगढ़ के दो हलकों से दस्तूर साज असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। बाद अज़ां मुस्लिम लीगी रहनुमाओं से नाला होकर मुस्ताफ़ी हो गए तो 1956 के इंतखाबात में कामयाब ना हो सके। जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में 1962 के आम इंतखाबात हुए तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। 8 जून 1962 को जनरल अयूब खान ने खुद साख्ता आइन नाफिज किया तो 9 सियासी रहनुमाओं ने अपने मुश्तरका बयान में इस आइन को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि नई दस्तूर साज असम्बली तश्कील देकर नया आइन तैयार किया जाए। यह बयान देने वाले 9 रहनुमाओं में नवाबजादा नसरुल्लाह खान भी शामिल थे। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने अयूबी आमरियत की खुलकर मुखालफत की, सियासी जमातों को यकजा करके नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट की बुनियाद रखी। सदारती इंतखाबात के दौरान अयूब खान के मुकाबले में मुहतरमा फातमा जिना की भरपूर हिमायत की तो नवाब ऑफ कालाबाग ने तय कर लिया कि उन्हें असम्बली में नहीं आने देना। नवाबजादा नसरुल्लाह खान की चलाई हुई तहरीक के नतीजे में ही अयूब खान को घर जाना पड़ा। 1969 में नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने पाकिस्तान जमहूरी पार्टी के नाम से एक नई सियासी जमात बनाई। शेख मुजीब से उनके अच्छे ताल्लुकात रहे और मशरकी पाकिस्तान का मसला ताकत के बजाय बातचीत से हल करने पर जोर देते रहे। नवाबजादा नसरुल्लाह खान 1970 के इंतखाबात में खुद तो हार गए मगर उनकी जमात सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही। भुट्टो के खिलाफ पाकिस्तान कौमी इतिहाद के प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाली जमातों को इकट्ठा करने का सहरा भी नवाबजादा नसरुल्लाह खान के सर ही जाता है। 1970 के इंतखाबात में वो MNA मुंतखब हुए लेकिन PNA की पॉलिसी के मुताबिक हलफ ना उठाया। भुट्टो के खिलाफ तहरीक में नवाबजादा नसरुल्लाह खान को रूहे रवां की हैसियत हासिल थी और मुज़ाकरात में भी उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने मुज़ाकरात के दौरान आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक को किस तरह शटअप कॉल दी, इसकी तफसील जनरल खालिद महमूद आरिफ ने अपनी किताब वर्किंग विद ज़िया में बयान की है। मिस्टर भुट्टो ने जडेलों को बताया कि PNA ने गड़बड़ वाले इलाकों से फौज की वापसी का मुतालबा किया है। जनरल ज़िया ने बयान किया कि PNA के रहनुमाओं को शायद उन मुश्किलात का इदराक नहीं जो इस अमल में पेश आएंगी। वज़ीर आज़म ने जनरल ज़िया को कहा कि वो PNA के लीडरों को इन मुश्किलात से आगाह करें, इसके लिए एक मुलाकात का अहतमाम किया गया। जो ही जनरल ज़िया ने शोरिश के बारे में बात शुरू की तो मौलाना मुफ्ती महमूद और नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने उन्हें टोका और कहा कि वह जनरल ज़िया से तज़िया नहीं सुनना चाहते क्योंकि यह मामला सियासी नोयत का है। जनरल ज़िया ने कहा वो सिर्फ मसले के अस्करी पहलुओं तक अपनी बात महदूद रखेंगे। फिर भी नसरुल्लाह खान मुसर रहे और बोले कि वो अस्करी पहलुओं में भी कुछ दिलचस्पी नहीं रखते। इस पर जनरल ज़िया ने कहा अगर मैं गलत बयानी से काम लूं तो आप मुझ पर थूक सकते हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने सियासी लड़ाई से फ़ायदा उठाते हुए इक्तदार पर कब्ज़ा कर लिया तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने वक्त ज़ाया किए बग़ैर फौजी इक्तदार के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए कमर कस ली। नुसरत भुट्टो यूँ तो उनकी सियासी मुखालिफ थी मगर जमहूरियत की बहाली के लिए उन्होंने नवाबजादा नसरुल्लाह खान के साथ बैठना गवारा कर लिया। खुफिया इदारों को इस मुलाकात की भिनक पड़ गई तो नुसरत भुट्टो ने घर के बाहर तैनात अहलकारों को चकमा देने के लिए बुरका पहना और उस मकाम पर पहुंच गई जहां मुलाकात होना थी। नवाबजादा नसरुल्लाह खान कराची में अपने देरीना दोस्त और पार्टी ओहदेदार मुश्ताक मिर्जा के घर पर थे और उसके चारों तरफ भी पुलिस और खुफिया एहलकारों की भारी नफरी तैनात थी। एक मुलाजम इबादुल हक जिसका कद्दोकामत नसरुल्लाह खान जैसा था
उन्हें नवाबजादा नसरुल्लाह खान की शेरवानी और तुर्की टोपी पहनाकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठा दिया गया और मुश्ताक मिर्जा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। पुलिस और खुफिया इदारों के अहलकारों ने यही समझा कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान जा रहे हैं। शाहराए फैसल पर गोरा कब्रिस्तान के करीब गाड़ी को रोका गया तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान मौजूद ना थे, बल्कि जब पुलिस एहलकार इस गाड़ी के ताकुब में रवाना हुए तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान चुपके से घर से निकल कर नुसरत भुट्टो से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। नवाबजादा नसरुल्लाह खान जनरल जियाउल हक पर कड़ी तनकीद करते रहे और उनका ये शेर बहुत मशहूर हुआ, कितने बेदर्द हैं सर सर को सबा कहते हैं, कैसे जालिम है कि जुल्मत को ज़िया कहते हैं। MRD की तहरीक के नतीजे में जमहूरियत की सुबह खुश जमाल का सूरज तलू हुआ और 1988 के आम इंतखाबात के बाद बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बन गई तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान एक बार फिर अपोजिशन बेंचों पर जा बैठे और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दौरान भरपूर किरदार अदा किया। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान का शुमार उनकी जमात इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के बदतरीन नाकदीन में होने लगा। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने बेनजीर से मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया। काकड़ फार्मूले के तहत नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक खान दोनों को घर जाना पड़ा और बेनजीर भुट्टो इलेक्शन जीतकर दूसरी बार वजीर आजम बने तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान जिंदगी में पहली बार हिज़्ब इख्तलाफ का हिस्सा बनने के बजाय हुकूमत में शामिल हो गए। बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौर हुकूमत में नवाबजादा नसरुल्लाह खान को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया और ये ओहदा वफाकी वजीर के बराबर करार दिया गया, जबकि उनके बेटे नवाबजादा मंसूर अहमद खान सूबाई वजीर बनाए गए। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने दुनिया भर के दौरे किए। नवाज शरीफ के दूसरे दौर हुकूमत में नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने एक बार फिर अपोजिशन जमातों को यकजा किया और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की बुनियाद रखी। जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक्तदार पर कब्जा कर लिया तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान एक बार फिर जमहूरियत की बहाली के लिए निकल खड़े हुए और बेगम कलसूम नवाज की भरपूर हिमायत की। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने ARD की तश्कील में बहुत अहम किरदार अदा किया और उन्हीं की काविशों के नतीजे में जनरल परवेज मुशर्रफ इंतखाबात करवाने और लूली लंगड़ी जमहूरियत बहाल करने पर मजबूर हुए। नवाबजादा नसरुल्लाह खान बजल्ला संजी और हाजिर जवाबी में अपनी मिसाल आप थे। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में अपोजिशन जमातों ने मोची दरवाजे पर जलसा रखा तो इंतजामिया ने कहा मीनारे पाकिस्तान पर कर ले। जब मीनारे पाकिस्तान पर जलसे के इनेकाद की तैयारियां शुरू हुई तो एक बार फिर मकाम तब्दील कर दिया गया और कहा गया कि मोची दरवाजे पर जलसा कर ले, जिस पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने बरजस्ता कहा यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ हुक्म हुआ वसल की शब उठाते ही बिछाते रहे बिस्तर अपना। नवाबजादा नसरुल्लाह खान तादम मर्ग हर हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा रहे और कई सियासी इत्तेहाद तश्कील दिए। एक बार किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि नवाबजादा साहब आपने हर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ठेका ले रखा है क्या। नवाबजादा नसरुल्लाह खान जो हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे हुक्के की नाली एक तरफ करके गोया हुए, सभी मुझको कहते हैं नीचे रख नजर अपनी, कोई उनसे नहीं कहता ना निकलो यूं आया होकर। नवाबजादा नसरुल्लाह खान बेचैन और बेकरार रूह थे। 26 सितंबर 2003 को उन्होंने आखिरी सांस ली और दारे फानी से कूच कर गए तो अखबारात ने उन्हें बाबा जमहूरियत के नाम से याद किया। लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब उनकी सियासी जमात का दफ्तर तो बरकरार ना रहा, अलबत्ता मौजूदा हुकूमत ने निकलसन रोड को नवाबजादा नसरुल्लाह खान से मंसूब कर दिया है। नवाबजादा नसरुल्लाह खान की वफात के बाद उनका ख़ानदान तकसीम हो गया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान के बड़े बेटे नवाबजादा मंसूर अहमद खान अपने वालिद की सियासी मीरास को लेकर चलना चाहते थे और उन्होंने PDP को ज़िंदा रखने का फ़ैसला किया, जबकि उनके छोटे बेटे नवाबजादा इफ्तखार अहमद खान ने 2005 में सियासी मफाद के तहत मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत अख्तियार कर ली। नवाबजादा इफ्तखार अहमद खान ने मुस्लिम लीग नून का चढ़ता सूरज देख
जीतकर 2008 में शेर के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा, मगर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमशेद दस्ती से हार गए। 2013 में नवाबजादा इफ्तखार अहमद खान ने एक बार फिर पार्टी तब्दील की और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। 2013 के इलेक्शन में जमशेद दस्ती ने उन्हें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर शिकस्त दी। 2018 के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनके हलका NA-184 में जलसा करके हालात का रुख मोड़ दिया और नवाबजादा इफ्तखार अहमद खान जमशेद दस्ती को हरा कर MNA बन गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके बड़े भाई नवाबजादा मंसूर अहमद खान, जो 2013 में अपनी पार्टी को PTI में जम कर चुके थे, वो NA-184 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नवाबजादा इफ्तखार अहमद खान के नीचे PP-271 से तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे और दोनों भाइयों में खामोश मफाहमत थी। 1993 में नवाबजादा नसरुल्ला खान और नवाबजादा मंसूर अहमद खान बैक वक्त MNA और MPA मुंतखब हुए थे, मगर इसके बाद नवाबजादा ख़ानदान मुसलसल इलेक्शन हारता रहा। 2018 में दूसरी मरतबा नवाबजादा ख़ानदान के दो अफराद बैक वक्त पार्लियामेंट में पहुँचे। गद्दारों और वफादारों का फ़र्क वाजे करने का यह सिलसिला जारी है। अगर आपके पास भी इस हवाले से मुस्तरद मालूमात दस्तियाब हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। गद्दार कौन की अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटद्दू के कस्बा ठट्ठा गुरमानी में आबाद गुरमानी बलोच ख़ानदान ने 1857 की जंग आज़ादी में क्या किरदार अदा किया। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़ तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 0332-8410-537 दस्तयाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।